अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज जिस बाइक का वॉकराउंड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है लियोनचिनो 500। इस बाइक में फ़िलहाल दो कलर अवेलेबल हैं, एक ब्लैक और एक रेड। रेड आपके सामने खड़ा है और जो इसकी कैश पे प्राइस है वो है 19,10,000। फ़िलहाल ये बाइक जो हैं अवेलेबल हैं बुराक ऑटोमोबाइल लाहौर पर। अगर आप न्यू बाइक कोई भी परचेज़ करना चाहते तो ऊपर पॉपअप बैनर में पाक व्हील्स के न्यू बाइक सेक्शन को आप विजिट कर सकते हैं। बाइक्स की अपडेटेड प्राइस और जो उसके स्पेक्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यूज़ बाइक सेक्शन को भी आप विजिट कर सकते हैं अगर कोई यूज़ बाइक सर्च करना चाह रहे हो तो। सबसे पहले इस बाइक के इंजन के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इसका इंजन जो है वो डुअल सिलेंडर है। डुअल सिलेंडर बेस्ड जितने भी इंजन होते हैं ये फोर सिलेंडर की निस्बत इनकी हीट जनरेशन बड़ी कंट्रोल्ड होती है, बड़ी कम होती है। और क्योंकि जो बाइक है ये फेयरिंग वाला बाइक नहीं है, एक स्पोर्ट्स ट्रैक बाइक नहीं है, ये एक क्रूज़र ट्रैक बाइक है जो आप इसको ईजी होकर चलाने के लिए, तो उसके लिए हीट मैनेजमेंट कंट्रोल्ड हो वो बड़ा ज़रूरी है ताकि हीट की तरफ से भी आपको जो है जो राइडर है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो इसके सीसी हैं वो 500 ये सीसी रखता है इसका इंजन। और डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इसका इंजन की टेक्नोलॉजी है जिससे इसकी इंजन की जो वाइब्रेशन जनरेशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती हैं, कम होती हैं। 8 वोल्ट्स इसके इंजन के सिलेंडर्स जो हैं वो दोनों मिलके 8 वोल्ट्स रखते हैं। और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 48 BHP ये प्रोड्यूस करता है ऑन रियर व्हील। अगर मैं इस बाइक की लुक्स और इसकी पार्ट की क्वालिटी की बात करूं तो मैंने अपने पहले रिव्यू में भी बताया था कि लियोनचिनो जो ब्रांड है बेनेली का, बेसिकली ये इसके अंदर टॉप नॉच क्वालिटी की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी का अपना एक सेगमेंट होता है जो प्रीमियम सेगमेंट होता है, तो लियोनचिनो जो है वो बेनेली का प्रीमियम सेगमेंट में आती है। इनकी जितनी भी बाइक्स हों, चाहे वो 250 cc है, ये 500 cc आपके सामने खड़ा है, इसके अलावा इनका एक 800 ट्रेल भी है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं। इस बाइक की अगर हम इसकी सस्पेंशन की और इसकी टायर या इसकी राइडिंग प्लेजर की बात करें तो सस्पेंशन बेनेली की बाइक्स में हमेशा से ही जो है, मैं जितनी ओवरऑल यूज़ कर चुका हूँ, मुझे इनकी सस्पेंशन काफ़ी सेटिस्फाई लगती हैं। स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और इनकी जो कंफर्ट है वो भी जो अपने सेगमेंट के लिहाज से सही प्रोवाइड करती हैं। सेगमेंट का मैंने इसलिए बीच में जिक्र किया कि जितने छोटे सेगमेंट की बाइक होगी 200 cc 250 cc उसकी सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे होती है, लेकिन जैसे जैसे सीसी आप बढ़ते चले जाएंगे पावर इंक्रीज़ करती जाती है तो सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ रखनी पड़ती है कंपनीज को स्टेबिलिटी के लिए। रियर पे आपको मोनो सस्पेंशन मिलती है इसकी जिसमें 2-way एडजस्टेबिलिटी है, राइडर अपना प्रीलोड भी एडजस्ट कर सकता है और सस्पेंशन को हार्ड सॉफ्ट करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक लीवर दिया है, बड़ा हैंडी सा लीवर है, आप इसको हाथ से ही हार्ड सॉफ्ट कर सकते हैं। फ्रंट जो है इसके दोनों जो फोक्स हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों फोक्स में जो है प्रीलोड एडजस्ट करने का स्क्रू मौजूद है, तो फ्रंट सस्पेंशन में भी राइडर अपना प्रीलोड एडजस्ट कर सकता है। अगर इसके टायर्स की बात करें तो मैं जो दुनिया का बेस्ट टायर मेकिंग कंपनी है वो पिरेली को मानता हूँ और पिरेली के टायर बेस्ट टायर होते हैं और इसमें भी पिरेली के टायर्स हैं। एंजल GT सीरीज़ के रोड टायर्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये रोड स्टाइल की बाइक है, रोड पे चलाने वाली, तो इसके जो टायर्स हैं वो भी रोड टायर हैं। फ्रंट पे आपको 120x70 का टायर मिलता है और रियर पे आपको 160x60 का टायर मिलता है। दोनों टायर ट्यूबलेस हैं। ब्रेक्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है, रियर भी ABS है, फ्रंट भी ABS है। फ्रंट पे आपको 2 कैलिपर मिल जाते हैं और कैलिपर का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। रियर पे आपको सिंगल पिस्टन बेस सिंगल डिस्क मिल जाती है। बाइक की अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो जो इसका मेन जो है इसमें हेडलाइट आ जाती है आपके सामने, पूरी हेडलाइट जो है वो इसकी LED बेस्ड है। आपको LED बेस्ड इसकी पार्किंग लाइट मिलती है। इसके अलावा लो बीम जो है वो प्रोजेक्शन बेस्ड LED है और हाई बीम जो है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड LED में दी गई है। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको LED बेस मिल जाते हैं। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एक बाइक में जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सारी प्रोवाइड करता है। डुअल सेक्शन में इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इधर आपको जो करंट आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी आपको शो कर रहा है। इंजन टेम्परेचर यहाँ भी आएगा। फ्यूल गेज इसकी यहाँ पर है। आपको इसकी क्लॉक भी मिल जाती है और AM PM आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा RPM मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी और जो इसकी ऑडोमीटर है वो आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इंजन से रिलेटेड जितनी भी चेक लाइट्स होती हैं वो आपको ऊपर यहाँ पर दी गई हैं जिसमें ABS है, लो फ्यूल लाइट है और इंजन चेक लाइट भी है। लियोनचिनो का एक जो की मार्क मैं आपको बता दूं कि एक जो इनकी की होल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है बेनेली की बाकी बाइक की से, तो ये इनका एक थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट होता है इनका। और उसी तरह नाइफ की तरह की इनकी की जो है वो उसकी ओपनिंग है।
इसके अलावा इसकी अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें तो इंजन किल स्विच, हैजर्ड लाइट, इंजन स्टार्ट करने का बटन, लेफ्ट साइड की बात करें तो ABS को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है आपको, हॉर्न, इंडिकेटर्स, लो बीम, हाई बीम और ऊपर आपको डिपर की ऑप्शन मौजूद है। अगर इसके अलावा मैं आपको दिखा सकूँ तो इसका क्लच लीवर नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन ब्रेक लीवर में आपको इसकी एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, 4 ways में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर टेल की बात करें तो फ्रंट की तरह टेल लाइट भी जो है वो इसकी LED बेस्ड है, बड़ी खूबसूरत सी आपको एक रिंग मिल जाता है, और जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो सेंटर में इसकी जो बाकी ब्रेक की LEDs हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा रियर पे आपको मडगार्ड भी मिल जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी बाइक्स हैं ये अगर वेट रोड पर चलती हैं तो जो कीचड़ है वो राइडर तक उछल के आता है, तो जितने भी रियर पे मडगार्ड माउंटेड होते हैं ये बहुत ही हैंडी रहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा स्पोर्ट्स स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आता है तो इसका साउंड थोड़ा सा इतना लाउड नहीं होता, लेकिन जब जैसे ही बनाली की बाइक्स जो हैं ये 4000 RPM क्रॉस करती है, इनका साउंड जो है वो ट्रीट फॉर द ईयर्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेसी हो जाता है। आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं। अपना बाइक से रिलेटेड वीडियो का चैनल सेपरेट कर लिया है जो पार्कविल बाइक के नाम से है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा पर्सनल चैनल है ZMVlogs, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब भी बाइक राइड करें डजेंट मैटर कि वो किस सेगमेंट की आप बाइक चला रहे हैं, बेशक 70 CC हो, हेलमेट ज़रूर पहनें और बाइक पर मिरर ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि हेलमेट के साथ हमारी साइड विजन जो है वो इतना क्लियर नहीं आता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।